जम्मू कश्मीर फायर सर्विस, जम्मू कश्मीर फायर सर्विस, एमके वली इसको कमेटी तश्कील की दी गई थी रिक्रूटमेंट से क्या फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को, जिसका रिपोर्ट एक महीने के अंदर अंदर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या इसमें किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है? क्या इसमें बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है? किसका हाथ है? गवर्नर साहब अगर जीरो टॉलरेंस की यहाँ पे दावे, बड़े बड़े दावे करते हैं, बोल रहे हैं हमने 30,000 नौकरियां दी, मुझे दिखाओ, इम्तियाज अली को दिखाओ किस में दी गई। गवर्नर साहब, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के नागरिक या सिटीजन नहीं है, हमारी सिटीजनशिप कैंसिल कर दो, हम बिरूनी मुल्कों में पसंद करना बैठेंगे। गवर्नर साहब, हमने अभी तक करीबन 2020 से 2024 तक हमने करीबन 50 प्रोटेस्ट किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसी से खुश है, हम खुदकुशी करेंगे, अपने आप को कत्ल कर देंगे, अपने आप को मार डालेंगे या गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाएंगे। वी वॉन्ट ओनली जस्टिस। बड़गाम के एक ही गांव के 150 लड़के लगे हुए हैं। बड़गाम में एक गांव है, उसका नाम है रूसू, 25 लड़के लगे हुए हैं। एक ही बाप के 5 बेटे लगे हैं, एक ही बाप के 4 बेटे लगे हैं, एक ही बाप के 3 बेटे लगे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, ये इसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम। देखो चैलेंज के साथ ये मैं कह रहा हूँ ना, दफा 370 हटने के बाद एक भी लिस्ट ऐसा दिखा जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से निकला हो, ठीक है? एक भी लिस्ट मुझे ऐसा दिखा जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से निकला हो और हकदारों को उनका हक मिला हो, ठीक है? अब कमेटी तश्कील दी गई, एक महीने का टाइम दिया गया था, टाइम बॉन्ड दिया गया था रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए, तो वो एक महीना क्या 3 महीने उन्होंने कहा, अभी रिपोर्ट कहाँ है? क्या चाहते हैं? हम जस्टिस चाहते हैं, हम चाहते हैं रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और हकदारों को उनका हक दिया जाए।